नमस्कार, मैं पंडित राजेश योगी राज, आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे अंतर शक्ति चैनल की तरफ से भी आपको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आज हम बात करेंगे जनवरी माह 2019 के राशियों के बारे में, जो कि आपके राशियों पे जो गोचर में चल रहे हैं, ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा। सर्वप्रथम हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि का स्वामी जो कि मंगल है, मंगल कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि एकादश भाव में है। कार्य के लिए आपको बहुत ही अनुकूल समय है, भाग्य आपका साथ दे रहा है और 15 तारीख के बाद सूर्य भी आपके भाग्य में आ रहा है, तो जनवरी में आपके लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा, तो आप उसका पूरा फायदा उठाइए। छात्र जो हैं उनको भी कोई गवर्नमेंट या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो 15 तारीख के बाद से उनको भी अच्छा फल मिलेगा, तो वह इसकी तैयारी करें। कोई IAS या RAS जो भी स्टेट में आप रहते हैं, उनके कोई आपको ऐसे एग्ज़ाम्स हो सिविल, तो वो आप दीजिए, उसमें आपको बहुत ही अच्छी सफलता मिले। जो स्त्रियां हैं उनके लिए तो बहुत ही अनुकूल समय है, जीवन साथी के साथ बड़ा अच्छा मधुर संबंध रहेंगे, वह अपने सौंदर्य पर भी खर्च करेंगी और साथ में धर्म के रास्ते भी जाएंगी। इन लोगों को बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल व गुड़ पीली गाय को दे सकते हैं, या इनकी कोई बहन या बुआ हो उनको कोई गिफ्ट प्रे ऐसी चीज़ें दें, तो उससे उनके ग्रह और अनुकूल होंगे और इनको सफलता प्राप्त। वृष राशि वालों को भी बड़ा अनुकूल समय है। वृष राशि वाले जो शादी लायक हैं या उनकी बातचीत जो चल रही है, तो वह उनके जोड़े बनेंगे। जो भी खनिज वस्तुओं का जो कार्य कर रहे हैं उनको भी बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय है, वो अगर कोई मैनेजमेंट कोर्स या कोई आप जैसे कोई MBA वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। अब हम बात करते हैं स्त्रियों की। स्त्रियां जिनकी विवाह नहीं हो रहा है, जो बहुत समय से परेशान हो रहे हैं, उनका विवाह का बहुत ही अनुकूल समय आ गया है, तो ये अपने जितने भी घर में वृद्ध लोग हैं या जहाँ भी वृद्ध लोग हैं उनकी आप सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। अपनी माता का विशेष रूप से आप आशीर्वाद लेंगे तो देखिए आपको कितनी जल्दी आपको सारे रास्ते खुलेंगे और आप कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए भी बड़ा अच्छा समय है। मिथुन राशि वाले जो हैं वो अगर कार्य में थोड़ा सा ध्यान देंगे, परंतु इनको अचानक धन भी आएगा। अपना जो व्यापार कर रहे हैं उसी से आपको धन प्राप्त होगा, वो अच्छा रहेगा। अगर आप कोई सट्टा या खेलते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा सावधानी रखें, तो उसमें नुकसान भी भारी हो सकता है। अब जो विद्यार्थी लोग हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा समय है। उनके लिए तो जो अगर फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, ड्रामा या थिएटर, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय। तो हम बात करते हैं स्त्रियों के बारे में। स्त्रियाँ जो हैं सरकारी नौकरी या कोई व्यापार भी कर रहे हैं, उनको भी जो स्त्रियों को बहुत अच्छा फल मिलेगा। उपाय के लिए इनको जितने भी लूले लंगड़े हैं या अपंग लोग हैं या कोड़ी लोग हैं, उनको कुछ आप कचोरी कंगन दें, तो इससे आपको बहुत ग्रह अनुकूल होंगे और आपको सफलता भी अच्छी प्राप्त होगी। कर्क राशि वालों के लिए भी ये साल बहुत ही अच्छा है, बहुत अनुकूल है, और जनवरी माह में भी इनको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। एडवाइस के साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा डिसीजन इनको मिलेगा और अचानक इनको लाभ भी प्राप्त होगा, परंतु ये वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी बरतें और चलें कहीं या कहीं पहाड़ी रास्तों पे जा रहे हैं कहीं, तो इनको थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। और जो विद्यार्थी लोग हैं इनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। अगर ये विदेश पढ़ना चाहते हैं तो इनको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, विदेश जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं या नौसेना में जा सकते हैं या मिलिट्री में भी जा सकते हैं, इनके लिए बड़ा अच्छा समय, और ये IPS वगैरह भी बन सकते हैं। स्त्रियाँ जो है वो थोड़ा सा उनमें सुस्ती रहेंगी, और जो इनके संतान का अगर कोई विवाह नहीं हुआ था तो उनका विवाह योग भी बना हुआ है। साधारण सा उपाय है, बुधवार के दिन ये 5 नारियल की माला बनाएं, 12:05 पर शिव जी पे रखें और उसको कोई भी बहते जल में 1:30 पहले प्रवाहित कर दें, तो इनको ग्रहों का शांति मिलेगी और इनको सफलता प्राप्त होगी। सिंह राशि की जो कि मैं बताता हूँ, सिंह राशि जो कि इनका मालिक सूर्य होता है, तो ये बड़े निडर होते हैं। ये स्वयं के डिसीजन पे काम करते हैं, किसी की आज्ञा नहीं मानते, ये सेवा भावी नहीं होते हैं,
तो सूर्य जो है वह अभी 15 जनवरी के बाद शनि के साथ मकर राशि में आ जाएंगे। जो ये पिता जो सूर्य है वह अपने पुत्र के घर में जाएंगे। अच्छा योग चल रहा है सिंह राशि को, और विदेश जाने का भी इनका बड़ा अच्छा योग है। जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को थोड़ा सा जो मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय। जो स्त्रियां हैं उनके लिए थोड़ा सा वो बोलने में सावधानी रखें, चलने में सावधानी रखें, क्योंकि वो थोड़ा जल्दबाजी करेंगी तो गिर सकती हैं, उनको चोट लग सकती है। उपाय मैं बताता हूँ सिंह राशि वालों को, जितने भी लूले लंगड़े कोड़ी जो होते हैं उनको ये सहायता करें तो उनसे बहुत अच्छा फायदा होगा। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, वह भी अभी गुरु के साथ भ्रमण कर रहे हैं, तो गुरु के साथ भ्रमण करने से इनको गुरु का प्रभाव, और मंगल के घर में है तो इनका प्रभाव बड़ा अच्छा फैलेगा। कोई मकान या प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इस वक्त धर्म के रास्ते चलेंगे तो इनको बहुत अच्छा फायदा होगा। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अगर इंजीनियरिंग क्षेत्र में या कोई मैकेनिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही उत्तम समय है, और उसमें इनको सफलता मिलेगी। स्त्रियों के लिए जो है वह भी अभी खूब धार्मिक यात्राएं करेंगी, इनका भाग्य बहुत अच्छा चल रहा है। अगर ये कोई कार्य करती हैं तो इनका भाग्य अभी इनका बहुत साथ देगा। उपाय में इनको ध्यान रखना चाहिए कि इनको कोई भी जो अपंग लोग होते हैं उनकी सहायता करेंगे तो इनको बहुत अच्छा फायदा होगा, और उनको मंगलवार के दिन ये झंडा चढ़ाएं तो उससे भी इनको बहुत फायदा। तुला राशि का स्वामी शुक्र जो कि अब वृश्चिक राशि में भ्रमण कर चुके हैं तो सेकंड हाउस में होने के कारण से इनके कुल में बहुत ही अच्छे कार्य होंगे, इनको धन की प्राप्ति होगी, और अपने कुल में इनका जो समय है अपने ही लोगों में परिवार में गुजरेगा बहुत अच्छे से समय। कार्य में भी इनको सफलता मिलेगी। अगर ये जैसे शेयर्स का कार्य करते हैं इनको खूब अच्छी सफलता मिलेगी, या मुझे लगता है कोई नए कार्य का भी हो सकता है शुभारंभ कर सकते हैं, या कोई ये नए कार्य की योजना भी बना रहे हैं तो उसमें भी अगर बनाते हैं तो इनको सफलता प्राप्त होगी। जो विद्यार्थी हैं उनको बड़ा जो डिसीजन जो अभी है ना वो बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े से मौज मस्ती में इनका समय थोड़ा सा रहेगा, जल्दबाज रहेंगे। और अगर ये कोई मैनेजमेंट कोर्स में अगर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर ये जैसे थल सेना में जाना चाहते हैं तो उसमें भी इनको सफलता मिलेगी। जो स्त्रियां हैं वो भी अपने जो भी अपनी संतान के साथ थोड़ा सा संबंधों का ध्यान रखें, थोड़ा सा संतानें थोड़े उग्र रहेंगी तो उनको थोड़ा सा समझाएं तो उससे अच्छा रहेगा समय। तुला राशि वालों को कोई भी कोड़ी लोगों को कंबल दें, उनको छतरी दे सकते हैं, उनको खाने की उड़द की वस्तुएं दें तो इससे आपके ग्रह अनुकूल होंगे और आपको सफलता प्राप्त। जो लोग वृश्चिक राशि वाले हैं उनका जितने भी ग्रह हैं वो इतने अनुकूल हो गए हैं कि उनका शुक्र भी वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहा है, गुरु भी साथ में हैं, तो जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके विवाह संपन्न होंगे, और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनका भी विवाह होने का बहुत अच्छा समय आ गया। और वृश्चिक राशि वालों का इतने अच्छा समय गुजरेगा कि वो सोच नहीं सकते, और 15 तारीख के बाद भी उनको बहुत अच्छा समय रहेगा। बस इनको वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। विद्यार्थी जो कि PhD करना चाहते हैं या जो एजुकेशन से संबंधित जितने भी कोर्सेज होते हैं वो सब उनके लिए बहुत ही अच्छे और अनुकूल हैं। जो स्त्रियां हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। जिन स्त्रियों का विवाह नहीं हुआ है या जो लड़कियाँ अपना लव मैरिज करना चाहती हैं उनका भी लव मैरिज में कोई अड़चन नहीं आएगी। जो उनको परेशानी आ रही थी सब घर वाले खुश होंगे और उनका प्रेम विवाह भी संपन्न होगा। उपाय, इनको वृद्ध लोगों का आशीर्वाद लें, शनि मंदिर में तेल का दीपक करें तो इनको बहुत अच्छा अनुकूल प्रभाव है। धनु राशि वालों को कुछ ग्रह गोचर में अभी थोड़े इतने अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, परंतु सूर्य इनका मकर राशि में आ चुका है जो कि धन भाव में, तो चलिए वो बहुत अच्छा योग तो नहीं है परंतु फिर भी इनको धन प्राप्ति के लिए अच्छा योग है, क्योंकि इनका भाग्य काम करेगा और धन की प्राप्ति होगी। अगर ये जो व्यापार कर रहे हैं या कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें भी इनको अच्छी सफलता मिलेगी। या ये कोई बाहर विदेश से कोई बिजनेस नया करना चाहते हैं तो उसमें इनको सफलता मिलेगी। विद्यार्थी लोग जो इससे जुड़े हुए हैं थोड़ा आर्ट लाइन से जुड़े हुए हैं तो उनको भी अच्छा फायदा हो जाएगा।
और जो मैनेजमेंट से भी करना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ा अनुकूल समय है, और इनको आलस्य को त्यागना चाहिए, इससे इनको बहुत अच्छी प्रगति होगी। स्त्रियां जो है उनके लिए भी थोड़ा समय अच्छा है, स्वास्थ्य का उनको ध्यान रखना चाहिए, तो खान पान का ध्यान रखें तो उससे इनको आराम। बुधवार के दिन 5 नारियल की माला बना के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच ये उपाय करना है। शिव जी के रख के आपको प्रार्थना करनी है, और कोई भी बहते जल में इसको 1:30 बजे पहले प्रवाहित कर देंगे तो इससे आपके ग्रह दोष दूर होंगे और आपको सफलता प्राप्त होगी। मकर राशि वालों का समय जो है, उनकी राशि का स्वामी शनि जो कि 12th भाव में होने के कारण से थोड़ा सा खर्चे का योग बना हुआ है, खर्चे पे थोड़ा सा कंट्रोल करें तो उससे आपको अच्छा रहेगा। पत्नी का ध्यान रखें, अन्यथा पत्नी का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में कटुता आ सकती है। जो लोग प्रॉपर्टी लाइन से जुड़े हुए हैं, या जो मार्बल लाइन के व्यवसायी हैं, या जो बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय। विद्यार्थी लोग जो मिलिट्री में जाना चाहते हैं या पुलिस में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय। और जो मैनेजमेंट के लिए भी जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत, MBA वगैरह भी कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय। स्त्रियों का समय थोड़ा सा गड़बड़ है, तो स्त्रियों को थोड़ा, जो मैंने पहले बताया कि वैवाहिक जो रिश्ते हैं उनमें थोड़ी कड़वाहट आ सकती है, तो थोड़ा सा सामंजस्य बनाइए और एक दूसरे पे विश्वास करिए तो उससे आपका अच्छा रहेगा। उपाय आपको शनिवार के दिन तेल का दीपक शाम के समय या सुबह, जो भी सूर्यास्त से पहले पहले आप शनि मंदिर में जाइए और तेल का दीपक करिए, उससे आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। और उड़द की दाल और गुड़ अगर आप काले सांड को खिलाएंगे तो उससे भी अच्छा रहेगा। कुंभ राशि का स्वामी भी शनि होता है, शनि का जो आपको धीरे धीरे आपको लाभ प्राप्त होगा, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। कुंभ राशि वाले जो होते हैं वो अपनी बात को जल्दी से किसी को बताते भी नहीं, तो आप अपने बातों को शेयर नहीं करते। अगर आप कोई असमंजसता की स्थिति है तो आप किसी से राय लीजिए तो आपको बहुत अच्छा होगा। और आप जल्दबाजी करते हैं बोलने में, जो आपका अभी रहेगा उसमें सावधानी रखिए। विद्यार्थी जो फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, जो मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं, जो BEd करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय। और जो कोई स्कूल खोलना चाहते हैं या स्कूल लाइन में कुछ ऐसे ट्रेनिंग कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय। और जो स्त्रियां हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जो राज्य पक्ष से जो जुड़ी हुई स्त्रियां हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय, तो उनको इस समय का सदुपयोग करना चाहिए और उसका फायदा लेना, क्योंकि इनके सहयोगी भी इनका सहयोग करेंगे, तो इसलिए जल्दबाजी ना करके और अपने सहयोगियों को खुश रखिए और इससे आपको सफलता मिलेगी। उपाय में आपको ध्यान रखना है कि आपको हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए, इससे आपको बहुत ही अनुकूल रहेगा और आपको बहुत अच्छा समय रहेगा। मीन राशि वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि इनका जनवरी माह में शुक्र भी भाग्य स्थान पे आ गया है, तो इनका शुक्र गुरु ये दोनों का संबंध हो गया है, तो बहुत ही अनुकूल समय है। और इनको कार्य में इतनी सफलताएं मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते, इतना बढ़िया समय चल रहा है मीन राशि वालों का। मीन राशि वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनको भी बहुत अच्छा समय है, इस वक्त इनको मैनेजमेंट का कोई कोर्स कर रहे हैं तो ये आप समझिए बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी, इनका भाग्य भी साथ देगा और इस लाइन में बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। स्त्रियां जो है उनको थोड़ा सा, जो व्यापारिक जो स्त्रियां हैं उनको भी बहुत अच्छा, उनका भाग्य बहुत अनुकूल है। और जो स्त्रियां जैसे ज्वेलरी का काम कर रही हैं या कोई कपड़े का काम कर रही हैं, उनको बहुत फैशन डिजाइनिंग में है, उनको आर्किटेक्ट है, उनको बहुत अच्छा फायदा होगा। उपाय, हनुमान जी की आशीर्वाद लें, उनकी पूजा करें और हनुमान जी के चोला चढ़ाएं तो इनको बहुत अच्छी सफलताएं मिलती जाएगी, और देवी की भी ये पूजा करें तो उससे भी उनको बहुत अच्छा फायदा होगा। तो ये था जनवरी माह का राशिफल। आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं, तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे अंतर शक्ति चैनल को देखते रहिए और अपने सभी लोगों को बताइए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।